This Lallan Top video is brought to you by Livogen Tonic. थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं, अपना मेट्रो कार्ड AFC यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर लगाते हैं, मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं, दूसरे स्टेशन पर उतरकर बाहर निकलने के लिए फिर से AFC गेट पर अपना कार्ड लगाते हैं और आपकी यात्रा का किराया आपके कार्ड से कट जाता है। आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और एंट्री वाले गेट पर अपना ID कार्ड लगाते हैं, आपके आने का टाइम रजिस्टर हो जाता है और गेट खुल जाता है। जाते टाइम भी यही सिस्टम चलता है। इसके बाद आप किसी फास्ट फूड चेन में बर्गर वगैरह खाने जाते हैं, अपना ऑर्डर बताते हैं, काउंटर पर बैठा शख्स आपको पैसे बताता है और अपनी कार्ड लगाने वाली POS मशीन सामने कर देता है। आप अपना कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड निकाल कर इस मशीन पर छुआ देते हैं, बिना पिन विन डाले झट से पेमेंट हो जाता है। इन सभी सूरत में आपके कार्ड और कार्ड रीड करने वाली मशीनों के बीच में बातचीत हुई और आखिरी वाले केस में तो पेमेंट भी। इस काम को करने में NFC या नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हाथ है, मगर हर जगह की कम्युनिकेशन के लिए आपको एक अलग कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्या हो अगर इतने सारे कार्ड रखने की बजाय आपका मोबाइल फ़ोन या आपकी स्मार्ट वॉच ही इन सब चीज़ों का काम कर डाले? ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है और ये आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से चल रही है, मगर स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच को बैंक कार्ड या मेट्रो कार्ड में बदल देने वाली NFC टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करती है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। NFC क्या है और कैसे काम करता है? फास्टैग तो आपको पता ही होगा, वही स्टिकर जो कार के सामने वाले शीशे पर लगा होता है। कार बस टोल गेट से निकल जाती है और टोल का पूरा पैसा अपने आप कट जाता है। पैसे या दूसरी जानकारी का आदान प्रदान करने वाली यह टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID। इसी टेक्नोलॉजी की छोटी बहन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन या NFC। दोनों में फर्क बस इतना है कि RFID दूर से भी काम कर जाती है, जबकि NFC को काम करने के लिए दो डिवाइसेस का एक दूसरे को छूना या एक दूसरे के 3-4 इंच के दायरे में होना जरूरी है। NFC टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड की मदद से डेटा का आदान प्रदान करती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाए बिना इसे ऐसे समझिए कि दो NFC डिवाइस एक दूसरे की रेंज में आते ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद ये आपस में बातचीत करते हैं और ज़रूरी डेटा या पेमेंट वगैरह का निपटारा करते हैं। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि दोनों NFC डिवाइस बिजली या बैटरी पर काम कर रहे हों। आपका मेट्रो कार्ड या बैंक कार्ड में कोई बैटरी नहीं होती, मगर जब ये मेट्रो गेट या POS मशीन के पास आते हैं तो जाग जाते हैं। NFC दो डिवाइस के बीच पेमेंट की जानकारी के साथ साथ दूसरे टाइप का डेटा जैसे वीडियो, कॉन्टैक्ट और फोटो वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसे काम करने के लिए ब्लूटूथ की तरह पहले पेयर नहीं करना पड़ता, बस एक दूसरे के रेंज में आए और काम चालू हो गया। अपने गैजेट में NFC कैसे इस्तेमाल करना है? डेटा शेयरिंग। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में NFC है तो आप एंड्रॉयड बीम की मदद से दूसरे NFC वाले फ़ोन के साथ आराम से डेटा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐप हैं जो NFC का इस्तेमाल करके दो फ़ोन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। पेमेंट। अपने NFC वाले स्मार्टफोन से पेमेंट करने के लिए पहले आपको एक NFC वाला पेमेंट ऐप चाहिए होगा और एक बैंक कार्ड। iPhone 6 से लेकर सारे लेटेस्ट iPhone NFC की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, बस आपको Apple Pay में अपने बैंक के कार्ड की डिटेल जोड़नी है। Samsung के NFC वाले फ़ोन में Samsung Pay की मदद से यही काम किया जा सकता है। बाकी के Android डिवाइस Google Pay या GPay ऐप में कार्ड जोड़कर NFC वाले पेमेंट कर सकते हैं। NFC वाले पेमेंट के जरिए आप एक बार में 2,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान नहीं कर सकते। यह लिमिट भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों की सेफ्टी के लिए लगाई है। पेमेंट पर यही लिमिट आपके NFC वाले स्मार्टफोन पर भी लागू होती है। कुछ NFC वाले स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर भी पेमेंट सपोर्ट करते हैं। इनमें भी आपको अपना कार्ड जोड़ना होता है और पेमेंट मशीन पर कार्ड की जगह घड़ी छुआ देनी है। टिकट और अटेंडेंस। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड के NFC का इस्तेमाल मेट्रो के गेट खोलने और ऑफिस में एंट्री के लिए भी किया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे NFC स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर मौजूद हैं, मगर इनकी मदद से एंट्री एग्जिट वाला ये सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। मगर ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर लोग 36 तरह के कार्ड लेकर घूमने की बजाय अपने NFC वाले गैजेट को ही इस्तेमाल करते हैं, बस हर काम के लिए अलग से ऐप लगता है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।